शहर के निकटवर्ती पर्यटन स्थल नीलकंठ महादेव मंदिर के महंत सूरतनाथ गुरु आयस जी महाराज के साथ मारपीट तथा जानलेवा हमले का मामला सामने आया है। हमले में घायल हुए महंत ने संदर्भ में सदर थाने में विधायक शंकर सिंह रावत के पुत्र बलबीर सिंह सहित 25 से अधिक लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। सदर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। उधर जानलेवा हमले के बाद जान का खतरा होने पर महंत सूरतनाथ सुरक्षित रूप से गुरुवार देर शाम को टाटगढ़ रोड स्थित आशापुरा माता मंदिर पहुंचे। आशापुरा माता मंदिर पहुंचे महंत ने मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए बताया कि 5 मार्च शाम को 5 बजे करीब किशनपुरा निवासी बलजीत उर्फ मोनू, ब्यावर निवासी बलबीर सिंह, फतेहपुरिया निवासी अर्जुन सिंह तथा ब्यावर निवासी रमेश सेन सहित 25 से अधिक लोगों ने मेरे कमरे में घुसकर मेरे साथ थापों तथा मुक्कों से मारपीट की। मारपीट के दौरान सभी लोगों ने मुझे ऐलानिया धमकी देते हुए मंदिर छोड़कर भाग जाने की बात कही। इस दौरान सभी ने मंदिर छोड़कर नहीं जाने के सूरत में मार देने अथवा किसी से मरवा देने की भी धमकियां दी। इतना ही नहीं, सभी ने उसे धक्का देकर कमरे से बाहर कर दिया। इस दौरान सभी लोग गाली गलौज कर रहे थे। महंत सूरतनाथ ने बताया कि 2-3 दिन बाद उसकी तबीयत में कुछ सुधार होने के बाद वे सिंगरा थाने पहुंचे तथा इन लोगों के खिलाफ लिखित शिकायत दी। उधर जान की सुरक्षा को लेकर आशापुरा माता मंदिर पहुंचे संत ने बताया कि जब पूर्व में विधायक शंकर सिंह रावत सहित आसपास के ग्रामीणों ने उन्हें सम्मान पूर्वक यहाँ लाकर महंत के पद पर आसीन किया, तो अब क्या कारण रहा कि उसके साथ इस प्रकार की हरकतें की जा रही है। इस संदर्भ में सदर थाना पुलिस ने बलजीत, बलबीर सिंह, अर्जुन सिंह, रमेश सेन, सुनील सिंह, रोशन सिंह, लक्ष्मण सिंह, हनुमान सिंह, सूरजपाल सिंह, अशोक सिंह, शिवराज सिंह, प्रवीण सिंह तथा 20-25 अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू की है। हर दिन अपने क्या किस वजह से मारपीट की आपके साथ? आए तो समझ में मारे को नारी भाई, मारी गलती का ही है। आप ये गलती पे तो कौन बता रहे? ना MLA साहब बता रहे, श्रीमान MLA साहब शंकर सिंह जी का दानी आदमी मेरी शान मार मारे कहाँ कराए वे तो ले आया मान सम्मान लिया, शादी पर बिठाया, मान सम्मान दिया, लिखा पटी कर दी, विश्वास में ले पर मारे साथ में शान धोखो कहाँ पीटी। इस चीज़ को तो अफसोस है, इस चीज़ को तो पूरा शरीर मारो अस्त व्यस्त कर दिया। उसे अगर भी दुश्मनी काटी 2-3 चीज़ें फिर किस दिन में कहीं तो कायम ही उम्र साथ में ही मैं मार दूँगा। बंद कमरा में रहे तो सोते हैं मार ला साहब कहाँ करी आ और जवाब आप सब ले वेग भगवान इकट्ठा ट्रांगर भगवान पूछ ली भाई मैं मार साथ में शान के कहा। पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया हम कहीं करूँ बस 2-3 दिन पर थोड़ा शरीर सही हो जैसे अंग्रेज थाना में जा मुकदमा करा रहे हो शरीर अस्त व्यस्त करे तो साधु कुछ कटे कटे तो कोई ना कोई को सारो तो ले जरूर मुझे कानून को सारो लेना पड़ेगा। वे दबे भी ले जाते हैं कोई ना कह दे तो करा मरा होता भी टेम आई कि कोई बता दिया कर दिया तो हम ध्यान में मार का डाल मरा ही खा अभी भी बगिया ही नहीं थे मार भाई अभी भी जान रख सक खाली कौन है कदे भी मार सके तो निकल भी गए थे मोटरसाइकिल आदि बाजी फिर आप कदे नंबर पोल रखे थे कदे मुंडा बांध रखे थे अभी भी फिर जा रहे हैं